और आप इसके नोट्स बनाते चलना, ठीक है। वैसे मैं आपको नोट्स दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यस यस यू नो दीज नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, बट स्टिल यू आर एडवाइज्ड टू राइट योर ओन नोट्स। आपको खुद के नोट्स भी लिखना है, वाई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाते समय मेरे अंदर जो इंग्लिश माता है वो कई बार कुछ और भी शब्द बताने के लिए प्रेरित करती है भाई, और वो शब्द हो सकता है नोट्स में ना हो। जैसे जब हम गूगल के सर्च बार में कुछ भी सर्च के लिए लिखते हैं तो एक सजेशन लिस्ट आ जाती ना, तो इसी तरह पढ़ाते समय क्या हो रहा, मेरे अंदर सजेशन लिस्ट आ जाती है कि ये भी बता दे, ये भी बता दे, ये भी बता दे, तो वो ऑन द स्पॉट होता है। तो इसलिए वो शब्द भी आपको लिखते चलना है। एंड देन एट होम मेक फेयर नोट्स, सुपरफिशियली यू कैन राइट डाउन हेयर, बट व्हेन यू रीच योर होम, ओके, लेट अस कम बैक टू द पॉइंट, वर्ड्स थ्रू रूट्स। तो आज का पहला रूट है बोना, या फिर कभी कभी ये मिलेगा आपको बेनी, ये ग्रीक रूट है बोना या बेनी। जब भी आप ये रूट देखो किसी भी शब्द में, सो इट मीन्स इट हैज समथिंग टू डू विथ गुड, इट हैज समथिंग टू डू विथ वेल। इसका लेना देना गुड से है, वेल से है, तो हम इसका एक मीनिंग लिख सकते हैं यहां पर कि बोना और बेनी बराबर होता है गुड, ठीक है। अभी और भी रूट्स आएंगे आगे चल के, तो हम इसका एक पहला शब्द बना रहे हैं वेरी पावरफुल, बोनाफाइड। एक बार सभी लोग बोलें, एज इफ समवन हैज सक्ड होल एनर्जी, व्हाई आर यू स्पीकिंग लाइक अ चुसाउआम, ओके, स्पीक लाउडली विद मी, बोनाफाइड, यस, नाउ दैट्स द स्पिरिट। देखा इतनी तेज आपने बोला कि तन्मय आ गया। नाउ द वर्ड बोनाफाइड कैन बी यूज इन टू वेज, आइदर इट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस एज एन एडजेक्टिव। देखो बोना मतलब अच्छा, इंग्लिश में गुड नहीं बोल सकते, हाँ गुड। एंड फाइड, फाइड इज ऑल्सो अ रूट, यू नो एफ आई डी ई, विच मीन्स फेथ, भरोसा को बोलते हैं फाइड। और अभी इससे भी बहुत सारे शब्द आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बोना फाइड, इसका जो शाब्दिक अर्थ है अगर हम देखें तो वो हो जाता है इन गुड फेथ, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया इन गुड फेथ, यानी अच्छे फेथ में होना। अगर आप किसी कंपनी की बात कर रहे हो कि ऐसी कंपनी जो बोना फाइड है, यानी वो लोगों के अच्छे फेथ में है, लोग उस पर भरोसा करते हैं, रिलाय करते हैं, वो रिलायबल है, और इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसा है, ऑथेंटिक है। अगर कोई कंपनी, कोई स्कीम बोनाफाइड आप कह रहे हो उसको, तो वो कैसी मानी जाएगी, ऑथेंटिक मानी जाएगी, जेन्युइन मानी जाएगी, या रियल मानी जाएगी, रियल, या लीगल मानी जाएगी, वैध, या लेजिटिमेट मानी जाएगी, या फिर कैसी मानी जाएगी, वैलिड। देखो इतने सारे शब्द आ गए, सब इसके सिनोनिम्स हैं। द वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग आर सिनोनिम्स, सो इफ यू हैव द सेम मीनिंग वर्ड्स कनेक्टेड विद बोनाफाइड, सो दे विल बी कंसीडर्ड एज द सिनोनिम्स ऑफ बोनाफाइड। तो आप चाहे सिनोनिम्स बोलो, चाहे इसका मीनिंग बोलो। तो बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया, इन गुड फेथ, मेरे साथ बोलेंगे इन गुड फेथ, ऑथेंटिक, जेन्युइन, रियल, लीगल, लेजिटिमेट, वैलिड, वेरी गुड। लीगल का उल्टा क्या होता है, इलीगल, वेरी गुड। लेजिटिमेट का
इललेजिटिमेट या द वर्ड्स स्टार्टिंग विद एन एल, जो भी शब्द एल से शुरू होते हैं उसमें आई एल लगा देते हैं, जैसे लिटरेसी का उल्टा इलिटरेसी होता है ना, तो इसी तरह लीगल का है इलीगल और लेजिटिमेट का है हाँ, वैलिड का क्या होगा इनवैलिड, नॉट अनवैलिड, इनवैलिड। तो इनवैलिड का मतलब अवैध, विच इज नॉट लीगल। बट इनवैलिड हैज वन मोर मीनिंग, इफ अ पर्सन हैज बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही हैज बीन बैड रिडन यू नो और डिपेंडेंट ऑन समवन टू टेक केयर ऑफ, सो दैट पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड इनवैलिड। सो इनवैलिड मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत दिन से बीमार है, पूरी जिंदगी बीमार रहा है, उसको क्या बोलते लोग इनवैलिड बोलते हैं। एंड व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ बोनाफाइड, यस। नाउ देयर इज वन मोर रूट, मैला, नॉट माला, या इट इज मैला। In Hindi, mala is related to something bad, something evil. But if you pronounce this mala, so mala is associated with something good, something holy. So this is mala. Mala means bad. Malafied. It is also an adjective, which means bogus. You know, bogus. The company was bogus, मतलब फर्जी थी कंपनी, कैसी थी, फर्जी थी, मैलाफाइड थी, अनरियल, फेक, और यू कैन ऑल्सो से काउंटरफीट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए और इसके एंटोनिम हो गए। For example, the company in which I invested so much of money, in fact the whole saving, proved to be malafide. It means it turned out to be bogus. हमारे जो certificates होते हैं वो भी कैसे हो सकते हैं bonafide और malafide? अगर आपके सर्टिफिकेट्स बोनाफाइड हैं, मतलब वो कैसे हैं, ऑथेंटिक हैं, वैलिड हैं, और मैलाफाइड है मतलब हाँ डुप्लीकेट बनाया आपने, कोई मान लो स्कीम है कि 10 दिन में पैसा डबल, फिर हेरा फेरी, तो मैलाफाइड कंपनी है वो, मैलाफाइड स्कीम है उसकी, क्योंकि मैला मतलब बुरा और फाइड मतलब क्या होता, फेथ, बुरे फेथ में, बुरा विश्वास क्या होता, बुरा विश्वास मतलब धोखा, सीधी सी बात है। अब देखो फाइड से भी कुछ शब्द बनेंगे, जैसे एक शब्द बन जाएगा फिडेलिटी, इट इज ए नाउन, से फिडेलिटी, What would it mean? क्या मीन होगा इसका भाई, फेथ मतलब देखो, फाइड मतलब फेथ है, तो इट हैज समथिंग टू डू विद फेथ, तो फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस, लॉयल्टी, वफादारी को बोलते हैं फिडेलिटी, फेथफुलनेस। आप चाहे तो हिंदी में भी मीनिंग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, वफादारी समझने के लिए वफादारी। और इसका जो उल्टा हो जाता है वो हो जाता है इनफिडेलिटी, क्या मतलब होगा इसका उल्टे का, इनफिडेलिटी या गद्दारी, नॉट गद्दार, गद्दारी, बेवफाई, खास तौर से ये ना उसमें यूज होता है मैरिज के संबंध में, इसका केस चलता है उसमें बकायदा अदालत में,
लेकिन कई लोग बड़े खुश हो रहे हैं. इफ अ हस्बैंड और अ वाइफ हैज सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यू नो सो इट मीन्स द चार्ज ऑफ इनफिडेलिटी विल बी टेकन. उसको बोलेंगे बेवफाई. एंड व्हाट डू मीन बाय इनफिडेल? इट इज एन एडजेक्टिव. इनफिडेल मीन्स व्हाट? यस, अनफेथफुल. एंड हेयर अबव वी कैन राइट फेथफुल अनफेथफुलनेस. दे आर एंजॉइंग अ लॉट. दे मस्ट हैव गॉन थ्रू सच फीलिंग आई थिंक. गॉट इट? तो आप इतना समझ गए हैं? चलिए मेरे साथ बोलेंगे बोनाफाइड, मैलाफाइड. इट मीन्स बोगस, अनरियल, फेक, काउंटरफीट. इसको आप और भी जगह यूज कर, जैसे फेक करेंसी हो सकती कि नहीं, काउंटरफीट करेंसी हो सकती कि नहीं, नकली जाली नोट जो होते उसमें यूज हो सकते हैं, फेक बाबा हो सकते कि नहीं. कोई फेक बाबा है मतलब वो नकली है, नकली साधु है, फेक सेंट होते हैं. गॉट इट? बोलो फिडेलिटी. फिर है बेनिडिक्शन. अब देखो यहाँ एक और रूट आने वाला है डिक्ट. डिक्ट मतलब जानते हैं आप? यस, टू स्पीक. ये रूट्स भी लिखते चलेंगे आप. डिक्ट का मतलब होता है बोलना और बेनी मतलब अच्छा. तो बेनेडिक्शन क्या होगा? अच्छा बोलना, बोलने वाला नहीं, अच्छा बोलना. और अच्छा बोलना मतलब क्या हो गया ये बताइए आप? सुविचार नहीं. अरे सीधी सी बात है, कोई आपको अच्छा अच्छा बोला मतलब वो क्या कर रहा है? आपको ब्लेसिंग दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, दुआ दे रहा है. तो बेनिडिक्शन का सिंपल मीनिंग है ब्लेसिंग. मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे हिज कंपैशन ऑलवेज शावर अपॉन यू. यू नो इन चर्च व्हेन अ प्रीस्ट स्टार्ट्स शावरिंग गुड वर्ड्स अपॉन द पर्सन हु इज प्रेइंग तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेनिडिक्शन. या हर धर्मों में देखना कुछ ऐसे मंत्रोच्चारण होते हैं जिससे सामने जो मतलब पूजा पाठ करवा रहा है उसका भला हो, उसके परिवार का भला हो, वो जो मंत्रोच्चारण पूरा हो जाए तो वो क्या कहलाता है? बेनिडिक्शन, ब्लेसिंग. ये एक तरह का इन्वोकेशन भी होता है. इन्वोकेशन, इन्वोक यानी क्या होता है? इन्वोक मतलब स्तुति करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान की प्रशंसा करना, एक तरीके उनको जगाना. कोई भी अच्छा काम शुभ काम करने से पहले क्या होता है? मंदिर के पट जब खोलते हो पहले ईश्वर को जगाया जाता है. एकदम से नहीं कि सीधे पूजा पाठ चालू कर दिया आपने, पहले उनको जगाया जाता है. इन्वोकेशन, स्तुति, आह्वान कहते हैं इसको हिंदी में, आह्वान, इन्वोकेशन. अगर आप रामायण पढ़ोगे देखोगे उसमें ना रामायण बाद में शुरू हुई है, पहले इन आह्वान है बहुत सारे. जो राइटर है वो आह्वान कर रहा है कि सरस्वती माता हम पर कृपा करें, हम ये काम करने जा रहे हैं, गणेश जी कृपा करें, ऐसे करके सब रहते हैं. कई पेजेस इसी में भरे हैं. पेज नंबर आप अगर देखोगे 3 से लेके लगभग 96 तक यही भरे हुए हैं. अगला शब्द देखते हैं. ये बताओ अगर ये बेनेडिक्शन है, अगर कोई दुआ देता है तो बहुत से लोग बद्दुआ भी देते हैं. जैसे वहाँ पीछे बैठे बैठे लोग हमें बद्दुआ देते रहते हैं, हमने गौर किया है, तो वो क्या है? मैं यहाँ से बेनेडिक्शन देता हूँ और वो वहाँ से क्या देते हैं? मैलेडिक्शन. देखा आ गया ना माला, लेकिन ये माला नहीं है. हाँ, मैलेडिक्शन. तो मैलेडिक्शन क्या हो जाएगा? अ कर्स. कर्स, कर्स मतलब क्या? बद्दुआ, श्राप, मैलेडिक्शन. अगला शब्द देखते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अभी पहले कुछ और शब्द ले लें.
डिक्टेट सुना है? अगर कोई किसी को डिक्टेट करता है तो इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है बोलकर लिखवाना, कुछ भी लिखे हुए को आप बोलते जा रहे हो और अगला व्यक्ति लिख रहा है ना, तो उसको डिक्टेशन बोलते, उसका नाउन है। डिक्टेशन क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन डिक्टेट करना मतलब क्या? नहीं, वो अभी बाद में आएगा तानाशाह। इसका पहला मीनिंग हो गया टू रीड अलाउड सो दैट अ पर्सन मे राइट, जोर जोर से पढ़ना ताकि एक व्यक्ति लिख सके, या टू रीड अलाउड समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समबडी राइट। व्हाट? मे राइट, एम ए वाई, मे राइट। एंड देयर इज वन मोर मीनिंग डिक्टेट। जब कोई किसी को डिक्टेट करना है ना, तो ये एक नेगेटिव टर्म है। नहीं, शासन करना नहीं, टू गिव ऑर्डर्स अथॉरिटेटिवली, बहुत ही अधिकार पूर्ण होकर क्या करना, अधिक अपने ऑर्डर्स देना, ये करो वो करो, तानाशाही करना। क्योंकि इसी से क्या बना है? डिक्टेटर। डिक्टेटर इसी से बन गया है। हिटलर कौन था? डिक्टेटर था। वो लोगों को डिक्टेट करता था कि ऐसा करो वैसा करो। गॉट इट? तो टू गिव ऑर्डर अथॉरिटेटिवली, दो मीनिंग हो गए इसके। अच्छा, इसी तरह आप देखो, जब कोई व्यक्ति आपको कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो क्या कर रहा है? जैसे आप उसको डिक्टेट कर रहे हो, मतलब आदेश दे रहे हो कि ऐसा करो, और उसने कहा क्यों करें, ये तो गलत है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो वो आपको क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आपने जो डिक्टेट किया उसको, उसके कॉन्ट्री में खड़ा हो गया, मतलब विरोध में। हाँ, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू डिनाई, अस्वीकार करना, या टू अपोज, विरोध करना। गॉट इट? अच्छा, इसका नाउन क्या बनाओगे? कॉन्ट्रेडिक्शन यानी विरोध, अपोजिशन, डिनायल। इन शब्दों पर ना आपको भी रिसर्च करना, याद रखो, आपको इलेबोरेट करके अपने नोट्स बनाना है। मैं तो अभी कुछ चीज़ें आपको शॉर्ट में बताता हूँ, बिकॉज वी कैन नॉट स्पेंड सो मच ऑफ टाइम इन सम ट्रिवियल वर्ड्स। इसका एडजेक्टिव क्या बनाओगे कॉन्ट्रडिक्शन का? हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट्री। अगर आपने कोई काम किया और उसका कॉन्ट्राडिक्ट्री रिजल्ट आया, मतलब अपोजिट आ गया, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, या किसी का कॉन्ट्राडिक्ट्री एटीट्यूड हो सकता है, मतलब वो हमेशा विरोध करेगा आपका। गॉट इट? ऐसे ही होता है। एक शब्द है बहुत अच्छा आपके काम का, वैलिडिक्शन, ये एक नाउन है, वैलिडिक्शन। ये जो वैली ना, एक रूट होता है, इसका मीनिंग होता है गुड बाय, फेयरवेल, विदाई को बोलते हैं वेल। लेकिन इससे क्योंकि ज़्यादा शब्द नहीं है तो हम उसको वहाँ नहीं लेंगे, हम केवल उसी रूट को ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे जिससे चार पांच शब्द बने। गॉट इट? अगर कोई एक रूट वर्ड से एक ही शब्द बन रहा है, सो इट इज़ यूजलेस टू गो थ्रू दैट, क्योंकि भाई एक ही वो शब्द ही पढ़ लो, इससे अच्छा अब पहले रूट पढ़ो फिर वो शब्द पढ़ो, मतलब क्या है? अच्छा, वैली मतलब क्या हो गया? गुड, सॉरी, गुड बाय, और डिक्ट मतलब बोलना, तो गुड बाय बोलना, यानी विदाई को बोलते वैलिडिक्शन, ये फेयरवेल का सिनोनिम हो गया, फेयरवेल, या सेइंग गुड बाय। तो रूट से चीजों को याद रखो। ऐसे एक और शब्द होता है डिक्टम। डिक्टम किसको बोलते पता? डिक्टम बोलते हैं किसी भी सेइंग को, यानी कहावत को, जो भी कहा जाता है। डिक्ट रूट है ना, डिक्ट मतलब बोलना, जो सदियों से बोला जा रहा है वो क्या बन जाता? कहावत,
नहीं, ईडियम अलग चीज़ है और कहावत अलग चीज़ है। कहावत जैसे देखो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है? डिक्टम है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये क्या है? डिक्टम है। लेकिन डोंट ऐड फ्यूल टू फायर, ये कोई डिक्टम नहीं है, ईडियम है। क्योंकि ऐड फ्यूल टू फायर, इसमें अर्थ जो छिपा हुआ है। आई स्मेल रैट, इट इज़ नॉट अ डिक्टम। आई स्मेल रैट क्या? एक मुहावरा हो गया। तो मुहावरा और कहावत में अंतर होता ना। कहावत क्या होती है? हाँ, ये भी एक कहावत है। नो, दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। कहावत थोड़ी है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ, वो सेंटेंस हो गया। अब जो थोड़ी मैं बाजार जाता हूँ, ये कोई कहावत है, मैं बाजार जाता हूँ। कहावत मतलब जिसमें कोई ज्ञान की बात हो, एक लेसन हो, मॉरल लेसन हो। लालच बुरी बला है, क्या हो गया ये? डिक्टम। घमंडी का सिर हमेशा नीचे होता है, क्या है ये? डिक्टम। ईस्ट और वेस्ट शिवहर इज द बेस्ट, क्या है ये? डिक्टम। मैलेडिक्शन। इतना हो गया? Yes, चलो मेरे साथ साथ बोलेंगे आप लोग, बोलो बेनेडिक्शन, मैलेडिक्शन, डिक्टेट, डिक्टेशन, डिक्टेटर। डिक्टेटर को और क्या बोलते हैं? अरे इंग्लिश में, इंग्लिश में, इंग्लिश में टायरेंट क्या बोलते हैं? टायरेंट। आप लोग खोजना इस शब्द को, ठीक है? और क्या बोलते हैं? डेस्पट। है तुम लोग कहाँ ढूंढोगे फिर? नहीं नहीं, टी वाई। हाँ बोलो, डेस्पट। और बोलो, ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट, ये सब आपको ढूंढना है भैया। अपने मन से तुक्का में स्पेल लिखो और ढूंढो, क्योंकि जब आप ढूंढोगे ना, तब वो फलदायी होने वाला है। अभी हम स्पेलिंग भी बता देंगे, मीनिंग भी बता देंगे, तो ढूंढोगे क्या? क्या बचा ढूंढने के लिए? ठीक है, फिर से बोलेंगे, डिक्टेटर, टायरेंट, ठीक है ना, और क्या था? डेस्पर्ट, और एक और क्या बताया अभी? ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेसी तो वो जो चाना साई रहती वो ऑटोक्रेट। ठीक, इनको आप रिसर्च करें, बढ़िया, इस पर रिसर्च करेंगे। अब बोलो, कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्टरी, वैलिडिक्शन, डिक्टम। वेरी गुड, पूरा लिख। बेनिफैक्शन, यहाँ पर भी एक रूट है एफ ए सी, और कई बार ये आपको मिलेगा एफ वाई के रूप में भी मिलेगा, या एफ ई सी के रूप में मिलेगा। कौन कौन से रूप लेंगे? एफ ए सी, एफ वाई, एफ ई सी। इसका मतलब होता है टू एक्ट या टू डू, करना। करने को क्या बोलते हैं अपन? यही टू एक्ट, टू डू। और आपको सुनकर शायद अच्छा लगे कि इसी से फैक्ट्री शब्द बना है, क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता? लोग काम करने जाते हैं, इसी से वो शब्द बना है फैक्ट्री। अब बताना, ठीक है? आप गैस करना शब्द को, रूट हम इसलिए तो पढ़ रहे हैं। बेनी मतलब कौन? गुड। और फैक्ट मतलब टू एक्ट, एक्ट करना। और शन है मतलब नाउन है, तो क्या करना? अच्छा काम। वेरी गुड, अच्छा बर्ताव नहीं बोल रहा जी, अच्छा काम। और अच्छा काम करना मतलब क्या करना? लोगों की मदद करना, है कि नहीं? लोगों की मदद करना, डोनेशन करना, ये सब कैसे काम होते? चैरिटी वाले जो काम है वो क्या कहलाते हैं? बेनिफैक्शन। तो हम इसमें एक शाब्दिक अर्थ लिख सकते हैं, एक तो क्या, अ गुड एक्ट, या फिर डोनेशन, या फिर चैरिटी। क्योंकि डोनेशन, चैरिटी, ये सब कैसे काम माने जाते हैं समाज में? अच्छे काम माने जाते हैं।
तो ये है बेनिफैक्शन। और बेनिफैक्टर किसको बोलेंगे? देखो ओ आर आ गया मतलब पर्सन हो गया, बेनिफैक्टर किसको बोलेंगे? जो अच्छा काम करता है, अ पर्सन हु हेल्प्स, अ पर्सन हु हेल्प्स पीपल विथ मनी, जो पैसे से लोगों की मदद करे उसको हम बोलेंगे बेनिफैक्टर। और बेनिफैक्टर का मीनिंग सुनने के बाद आपको एक शब्द याद आएगा, कौन सा? फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोप सिनोनिम हो गए। अच्छा ये बताओ बेनिफैक्ट्रेस किसको बोलेंगे? बेनिफैक्ट्रेस देखो बेनिफैक्टर है, अ पर्सन हु हेल्प्स पीपल विथ मनी, तो बेनिफैक्ट्रेस। हाँ ये देखो ना एक्ट्रेस, एक्टर का एक्ट्रेस, तो बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस। ये महिला होती है कोई जो लोगों की मदद करती है ना, अ फीमेल बेनिफैक्टर। तो ये हो गया मदद, सरल भाषा में क्या हो गया, ये है मदद, ये है मदद देने वाला और ये है मदद देने वाली। तो लेने वाले कहाँ गए? तो देखो जो मदद लेते हैं जिनको फ़ायदा मिलता है इनसे, तो उनको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। ये भी एक नाउन है, बेनिफिशियरी किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु रिसीव्स हेल्प, अ पर्सन हु रिसीव्स हेल्प, जिसको मदद मिल रही है उसको बोलते बेनिफिशियरी। जैसे आप देखना पेंशनर्स को क्या बोला जाता है? बेनिफिशियरी लिखा रहता ना, या जो भी हेल्थ स्कीम है सरकार की, आयुष्मान भारत हो गया चाहे, या आपका CGHS है, या रेलवे के जो अस्पताल होते हैं उनमें देखना जब भी कोई नोटिस लिखा रहेगा तो ऐसा लिखे रहेगा ऑल द बेनिफिशियरीज आर इन्फॉर्म्ड। हाँ यानी सभी लाभार्थियों को ये सूचित किया जाता है कि अब लाभ ना मिलेगा। अगला देखते हैं, ये एडजेक्टिव है बेनिवोलेंट। बोलिए बेनिवोलेंट। अब देखो यहाँ भी एक रूट है VOL, हाँ VOL का मतलब होता टू विश, चाहना। इसका मतलब क्या होता है? चाहना, टू विश। चलो अब जरा समझते हैं, बेनी मतलब हो गया गुड और वॉल मतलब इच्छा चाहना। अच्छा चाहने वाला, जो लोगों का अच्छा चाहे भला चाहे उसे हम बोलेंगे बेनिवोलेंट। इसका सिनोनिम जो है वो है आशीष शिवहरे, लेकिन आशीष शिवहरे क्या है? प्रॉपर नाउन है तो इसमें अपन लिख नहीं सकते, ये एडजेक्टिव है। तो यानी ये क्या हो गया? काइंड, जेनरस, जेनरस किसको बोलते हैं? उदार, जो जल्दी से लोगों को उधार दे दे वो है उदार, तो काइंड जेनरस। इसी तरह मैग्नैनिमस बोल सकते हैं आप, मैग्नैनिमस बड़े दिल वाला, बिग हार्टेड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो लोगों का भला चाहे अच्छा चाहे उसे, आवश्यक नहीं कि पैसे से लोगों की मदद करे, ऐसा नहीं है, इसका ऐसा कोई ऑक्यूपेशन नहीं है कि मदद करे, बट दिस पर्सन विल बी काइंड इनफ टू पीपल एंड देयर सफरिंग। और इसका नाउन क्या बनाते हैं हम? इसका नाउन भी होता है बहुत अच्छा, क्या नाउन हो जाएगा? टी है आखिरी में, देखो बेनिवोलेंट।
हाँ बेनिवलेंस, इसको हिंदी बोलते उदारता, कृपा या परोपकारिता। ये कौन है परोपकारी है? ये तो ये है परोपकारिता, बेनिवलेंस। यानी काइंड का नाउन क्या होता है? काइंडनेस। अच्छा, अगर लोगों का भला चाहने वाले लोग हैं तो बुरा चाहने वाले लोग भी हैं, है ना? तो क्या बनेगा? देखो मेला को बुलाओ फिर से, तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, मैलवोलेंट। ये देखो ये क्या है, ये कौन होगा? ये लोगों का बुरा चाहने वाले होगा, हमेशा मन ही मन सोचता है कि इसका बुरा हो जाए, और कुछ षड्यंत्र भी रचेगा। ये शकुनी मामा है समझ लो, जो षड्यंत्र रचेगा, लोगों का बुरा चाहेगा। कोई विलेन हो सकता है, मैलवोलेंट। तो मैलिवेंट का मतलब हो जाएगा विशिंग ईविल, बुरा चाहने वाला, विशिंग। हाँ मैलिवलेंस। देखा, धीरे धीरे अनुभव के साथ अब आप नाउन बनाना, एडजेक्टिव बनाना भी सीखते जा रहे हो ना, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं जो बातों ही बातों में बता दिए जाते हैं, वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में बन जाना चाहिए। तो मैलिवलेंस यानी क्या हो जाएगा? इल विल, किसी भी व्यक्ति की इल विल, बुरी इच्छा एक तरीके से, या हॉस्टिलिटी बोल सकते कि नहीं? दुश्मनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हॉस्टिलिटी बोल सकते इसको, हॉस्टिलिटी। इसको हॉस्टाइल बोल सकते हैं, हॉस्टाइल क्या हो गया एडजेक्टिव। हॉस्टाइल मतलब क्या? दुश्मन जैसा, जो द्वेष रखे उसको बोलते हॉस्टाइल है वो, और हॉस्टिलिटी है दुश्मनी है, शत्रुता है, राइवलरी लगा सकते हैं। 20 में आ गए हम, ठीक है। एक शब्द है वलीशन, बोलो वलीशन। हाँ ये वो नहीं है, क्या है? वलीशन। और देखो अभी हमने पढ़ा था ना, वॉल मतलब क्या होता है? टू विश। तो वलीशन का मतलब होता है फ्री विल, या सीधे विश भी कह सकते, इच्छा। हम सबके अंदर जो इच्छा होती है उसको हम बोलते वॉलिशन, फ्री विल को। व्हाट यू मीन बाय फ्री विल? फ्री विल का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको। देखो जो रोबोट्स हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम चल रहा है, आपने देखा होगा, क्योंकि वैज्ञानिक ना रोबोट को हर चीज़ दे चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या नहीं दे पा रहे हैं उसको? फ्री विल नहीं दे पा रहे हैं, वो खुद अपने से डिसीजन नहीं ले सकता। जितना फीड है उतना ही बस वो कर सकता है। आर यू गेटिंग मी? मतलब मुख्य जो अंतर है इंसानों में और रोबोट्स में वो क्या है? इसी का अंतर है, फ्री विल नहीं उसमें। और ईश्वर ने हम सबको क्या दिया है? फ्री विल। जो हम कहते हैं ना कि सब ऊपर वाले के हाथ में, नो नो इट इज़ नॉट सो। उनने हमको फ्री विल दिया, आप अच्छा काम करो अच्छा पाओ, बुरा करो बुरा पाओ। आई एम गिविंग यू फ्री विल। ऐसा बाइबल में भी लिखा हुआ, आप अगर देखेंगे चैप्टर 3 पेज नंबर 104 लाइन नंबर 2। तो फ्री विल वॉलिशन बोलते हैं इसको। फिर इससे एक और हम शब्द बनाएंगे, बहुत ही अच्छा शब्द है ये, वोलाटाइल। ये एक एडजेक्टिव है, हाँ चेंजेबल। और चेंजेबल कौन होता है? परिवर्तनशील कौन होता है? जो परिवर्तन होना चाहे, जो परिवर्तित होना चाहे, वही तो चेंजेबल होगा। यानी इसका मतलब है विशिंग टू चेंज, और आम जीवन में बोल सकते चेंजेबल, ठीक है। तो वोलाटाइल, बोले वोलाटाइल, इसका मतलब हो जाए विशिंग टू चेंज, जो चेंज करने के लिए विश करे अंदर ही अंदर, यानी वो चेंजेबल होगा। और वो कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्टेबल, जो स्टेबल है। इसका नाउन कैसे बनाएंगे? इसका नाउन बनाएंगे ये परिवर्तनशीलता, वोलेटिलिटी। बोले हाँ वोलेटिलिटी, यानी हम इसका इंग्लिश में मीनिंग लिख सकते हैं
अनस्टेबिलिटी, या चेंजेबिलिटी, अस्थिरता को बोलेंगे, परिवर्तनशीलता। वैसे ये साइंटिफिक टर्म भी है, वैसे मालूम टेक्निकल टर्म भी है। हाँ, किस में यूज़ होता है? केमिस्ट्री में। हाँ, केमिस्ट्री में बताओ क्या होता है इसका मतलब। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। वॉलेटाइल जो है ना, देखो जब बहुत ही हॉट टेम्परेचर होता है तो आपने देखा होगा पानी क्या करता है, वेपराइज होता है और ऊपर जाता है ना। लेकिन केवल हॉट टेम्परेचर में नहीं होता है ऐसा, नॉर्मल टेम्परेचर में भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी का जो वाष्पीकरण होता रहता है। आप अभी भी यहाँ गीला कपड़ा टांग दो, कितनी भी ठंड हो, क्या होगा, सूख जाएगा ना। अरे हम कहते हैं एक दिन लगेगा, दो दिन लगेगा, सूख जाएगा वो। मतलब उसमें क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर में भी, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। यानी वाष्पीकरण जो हो जाता है धीरे 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 धीरे, उसको बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितनी भी ठंड हो, कितनी भी ठंड हो, थोड़ा बहुत पानी तो वाष्पीकृत होगा ही होगा। आई एम अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, यू नो वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब होता मल्टी टैलेंटेड, लिख लो, ये शब्द भी बहुत काम का है, पेपर में आता है। वर्सेटाइल लिख लो, इसका मीनिंग है हैविंग मैनी स्किल्स, हैविंग मैनी स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स वाला, जिसको गाना गाते भी बने, डांस भी कर ले वो, बांसुरी भी बजा ले, पेंटिंग भी कर ले, लेखक भी है वो, एक्टर भी है वो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल। और जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, इसका एंटोनिम वो बैठा है। जैसे आपने देखा होगा ये फाय कई बार आपको कई शब्दों में मिलेगा, जिसका मतलब क्या होता है, करना। जैसे आपने सुना होगा सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, सरल करना, सिंप्लीफाई। इसमें देखो सिंपल और फाय जुड़ा है, ये एक वर्ब हो गई, टू मेक सिंपल, टू मेक सिंपल, सरल करना। इसी तरह ये बताओ आप, आप बताना कि मैग्नीफाई का क्या मतलब हो जाएगा, मैग्नीफाई, हाँ बढ़ाना, टू मेक बिग, टू मेक लार्ज, ठीक है, लिख लेना इसका मतलब। 25 में देखो ब्यूटीफाई का क्या मतलब निकलेगा, ब्यूटीफाई, सुंदर बनाना, टू मेक ब्यूटीफुल। क्योंकि यहाँ पर भी एक रूट है, ये मैग देख रहे हैं ना, मैग, मैग मतलब होता है बड़ा, इसी से मेगा बना है, मेगा, मेगा स्टार चिरंजीवी, मेगा मतलब बड़ा होता है। हाँ, और अभी आपने जो देखा था ना मैग्नानिमस, उसमें भी ये रूट था, क्योंकि वो क्या है, बड़े दिल वाला, जिसका दिल बहुत बड़ा है, तो वो क्या है, मैग्नानिमस। Got it? चलो मेरे साथ बोलेंगे, वलीशन, वोलाटाइल, वोलेटिलिटी, सिंप्लीफाई। चलो अगला शब्द देखते हैं, नंबर है 26 है, एक होता है बेनाइन, बोलो बेनाइन। हाँ, ये एक एडजेक्टिव है, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है बेनिग्नेंट, बोलो। हाँ, ये भी एक एडजेक्टिव है। इन दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा है, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। लेकिन सब में देखो बेनी रूट आ रहा है ना, ये भी क्या होता है, ये समल्लू होता है
नॉट हार्मफुल, जो हानिकारक ना हो, नुकसानदायक ना हो किसी के प्रति, यानी काइंड भी कह सकते, जो काइंड है, दयालु है, लेकिन इसमें एक सेंस छुपा है कि नॉट हार्मफुल, बेनाइन, ऐसे इसमें भी होता है नॉट हार्मफुल, हार्मलेस भी कह सकते चाहो तो। और ये ना मेडिकल टर्म में भी यूज होता है, पहले आम जीवन का देख लो, अगर किसी का बेनाइन एटीट्यूड है तो कैसा एटीट्यूड है, काइंड, ठीक है। इसी तरह अगर किसी की बेनाइन स्माइल है तो कैसी स्माइल है, काइंड, उस स्माइल में काइंडनेस भरी है, बेनाइन। इसी तरह बेनिग्नेंट होता है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल। अच्छा, मेडिकल टर्म में मैं आप थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर कोई ट्यूमर, अगर किसी ट्यूमर को बेनिग्नेंट बोला जा रहा है या फिर बेनाइन बोला जा रहा है, तो मतलब वो कैसा है, मान के चलो वो हार्मलेस है, यानी आप उसको ऑपरेशन कराओ ना कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार किसी को मान लो कोई एक मसा हो गया कहीं सिर पे छोटा सा, तो उसको डर लगा कि भाई पता नहीं क्या है ये, कुछ अंदर कैंसरस ना हो, तो जब उसकी जांच उसने कराई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई देखो ये तो बेनिग्नेंट है और ये बढ़ेगा नहीं, ये इतना ही रहेगा, और हो सकता अपने आप खुद गिर भी जाए, हैं, या तुम घोड़ा की पूंछ के बाल से काट लेने, ऐसे टूट गई बताते कई लोग, बोले लेकिन ये हार्मलेस है। लेकिन अगर कोई ट्यूमर, अगर कोई बीमारी क्या है, मैलिग्नेंट है, देखो बेनिग्नेंट का उल्टा क्या हो गया, तो ये हार्मफुल है भैया, ये फेटल है भैया, प्राण घातक है, समझ लो। कोई ट्यूमर है, कोई भी वॉल्ट है, कोई भी डिजीज है, तो मैलिग्नेंट है वो। और मलाइन, देखो बेनाइन का क्या बना लिया अपन ने, मलाइन, मलाइन एक एडजेक्टिव भी है और क्रिया भी है, दोनों है। मलाइन जब एडजेक्टिव होता तो वही हो जाएगा ईविल या फिर हार्मफुल, ठीक है, और मलाइन जब क्रिया होती तो इसका मतलब होता है टू स्लेंडर, स्लेंडर समझते, किसी पे दाग लगाना, किसी का, हाँ, किसी को बदनाम करने समझ लो, किसी के नाम पे कलंक लगाना, यानी टू डिफेम, किसी के बारे में बुरा बुरा बोलना समझ लो। अब आप मुझे बताओ बेनिग्नेंट का नाउन कैसे बनाओगे, हाँ देखो टी का सी हो गया बेनिग्नेंस, यानी हो जाएगा उदारता, दया, ठीक, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हाँ मैलिग्नेंस या मैलिग्नेंसी, इसका जो सही है वो क्या है, मैलिग्नेंसी है, और यहाँ बेनिग्नेंसी, कभी भी कभी सी ही नहीं जुड़ता, क्या जुड़ता, सी वाई, तो सी वाई वाला जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाएगा। तो बेनिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी, अगर डॉक्टर आपको किसी ट्यूमर की मैलिग्नेंसी को समझा रहे हैं, मतलब वो उसके क्या है, बुरे प्रभाव को समझा रहे हैं कि एक साल बाद ये ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, वो पूरी मैलिग्नेंसी आपको बता रहे हैं उसमें, ठीक है। और मलाइन में मैंने क्या बता दिया आपको, दो अर्थ है, एक तो ईविल है, हार्मफुल है, और दूसरा स्लेंडर, किसी के नाम में कलंक लगाना, दोष लगाना, उसके बारे में बुरा बुरा फैलाना, और डिफेम भी होता है, या इसका सिनोनिम आप कर सकते हो विलीफाई, विलीफाई भी कर सकते, दूषित करना किसी के नाम को। और इसमें से बहुत से शब्द तो हम पहले भी पढ़ चुके, जब मैंने आपको वो टाइप्स ऑफ लायर्स पढ़ाए थे, याद है, है ना, कौन कौन थे उस समय क्लास में, टाइप्स ऑफ लायर्स, नोटोरियस, है ना, नोटोरियस में आया था, कॉन्समेट, ये शब्द याद है कि नहीं, पढ़ना है इनको, और क्योंकि ये बहुत ही मतलब पावरफुल वर्ड्स हैं, और इसलिए एक भी क्लास मिस करना आपके लिए मैलिग्नेंट हो सकता है, याद रखना। मैं इतना बेनिवोलेंट नहीं हूँ कि मैं फिर से वही टॉपिक रिपीट करता रहूँ, नहीं तो आपकी एग्ज़ाम की मैलिग्नेंसी का क्या होगा,
है, ठीक है। तो जो जो बच्चे क्लास बंक करते रहते वो बाद में हमारी को मलाइन करते हैं, जबकि हम कितने बेनाइन हैं। है ना, ऐसे जानबूझ के यूज़ किया करो थोड़ा सा। डीप्रेस ना, नहीं डीप्रेस नहीं होता कोई शब्द, तुमने प्रेस का उल्टा कर दिया लगता है, डी लगा के। नहीं नहीं, इंग्लिश में वैसी कमी नहीं है शब्दों की। कभी एक नए महाराज आए हैं अमनदीप बाबा, डीप्रेस नहीं। हाँ चलो बोलेंगे, बेनाइन, बेनिग्नेंट, मैलिग्नेंट, मलाइन, इसका नाउन बेनिग्नेंसी और मैलिग्नेंसी। देखो ये है एडजेक्टिव बेनिफिशियंट, अगर कोई पर्सन बेनिफिशियंट है तो इसका मतलब भी होता है काइंड, जेनरस, क्योंकि देखो ना ये क्या करता है, गुड, और एफ आई सी मतलब क्या, करना, ये अच्छा काम करता है लोगों के लिए। और बेनिफैक्टर तो क्या था, वो एक नाउन है बेनिफैक्टर, यानी पर्सन को बोलते हैं अपन, और ये पर्सन की विशेषता हो गई। तो बेनिफिशियंट पर्सन, काइंड, जेनरस, और इसी का उल्टा क्या बना लोगे, मैलिफिसेंट। यानी कौन हो जाएगा, ईविल, ठीक है ना। और शब्द देखते हैं, बहुत कॉमन शब्द हैं कुछ जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जैसे बेनिफिट इसी से बना है, बेनिफिट, बेनिफिशियल, बोनस इसी से बना भैया, वो जो कर्मचारियों को बोनस मिलता है, या आपने फेस्टिवल बोनेंजा ऐसा सुना ना, कई बार खूब कंपनी विज्ञापन करती बोनेंजा, बाउंटी, ये सब इसी से बने हुए, किससे, बैनी से। आपको इन पर रिसर्च करना होगा, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा आप, लेकिन ढूंढो इनको, बेनिफिट, बेनिफिशियल, ये सब क्या होते हैं, बाउंटी, किसमें लॉयल, लॉयल तो हमने उसमें बताया ना, एफ आई डी में बताया, विश्वास वाला। थोड़ा सिनोनिम खोजा करो और एंटोनिम खोजो। अब देखो अगला शब्द देखते हैं जो आपके काम का रहेगा, मेल एड्रॉइट, बोलो, हाँ एड्रॉइट याद है किसी को, हाँ स्किल्ड या स्किलफुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही पहचान। और मेल मतलब बुरा, तो अगर कोई व्यक्ति कैसा है, मान लो अपने काम में बहुत बुरा है, कोई स्किल ही नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा, समझ लो, मेल एड्रॉइट, यानी हम मीनिंग में कह सकते हैं वो क्लमजी है, नहीं क्लमजी आने क्या होता, भद्दा, ऑकवर्ड, हाँ ऑकवर्ड है मतलब बेढंगा, आपसे जो काम नहीं बनता अगर आप करोगे तो आप कैसा फील करोगे, क्लमजी। जैसे आपसे टाइपिंग नहीं बनती तो आप कैसे टाइपिंग करोगे, एक एक की को देखोगे कि जेड कहाँ गया, ये है ऐसे, तो आप मतलब एड्रॉइड हो मतलब क्या, फटाफट हो रहा है, और मेल एड्रॉइड हो नहीं बन रहा, तो क्लमजी, या फिर इसका एक और मतलब होता है क्या, ऑकवर्ड होता है, ऑकवर्ड, ठीक है। इसी तरह ना आपने सुना होगा कुपोषण को क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन, यही तो हो गया, न्यूट्रिशन क्या है, पोषण, ये बुरा हो गया है कि नहीं। ऐसे एक शब्द होता है, इसको हम इससे रिलेट कर सकते, मेलोडी, मेलोडी नहीं बोल रहे अपन, क्या बोल रहे, मेलोडी, मेलोडी का मतलब होता है कोई भी बीमारी, कोई भी सिकनेस को बोलते हैं मेलोडी, डिजीज या इलनेस। जैसे डाउरी सिस्टम
इज अ सोशल मैलडी, क्या मतलब निकलेगा? हाँ, एक सामाजिक बीमारी है, तो वो डिजीज नहीं है, मैलडी, अच्छा शब्द है, एक सामाजिक बीमारी है। क्योंकि आमतौर पे जो जीव जंतुओं को बीमारी होती है वो किसी ना किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से होती हैं, लेकिन सोच की वजह से भी तो बीमारी हो सकती हैं समाज में, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? मैलडी। हालांकि सिनोनिम में वहाँ डिजीज भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मेलोडी क्या होती है, उसकी स्पेलिंग बताओ। हाँ, उसका मतलब क्या होता है? सुरीलापन, मीठापन। जैसे उसकी वॉइस कैसी है? मेलोडियस है, यानी मीठी है, मधुर है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? वो नहीं आता है ऐड, तो वो ये नहीं है, मेलोडी नहीं बोल देना उसको। अगला शब्द है, ये भी एक नाउन है, मेलाप्रोपिज्म। बोले हाँ, ये जो है ये होता है द रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स। कभी कभी क्या है, बातचीत के दौरान जब गलती से मिस्टेकनली ऐसा होता है कि आपने गलत शब्द यूज़ कर दिए, या यहाँ का शब्द वहाँ, वहाँ का यहाँ हो गया, बोलना कुछ ही का शी हो गया, शी का ही हो गया, होता ना, पापा बैठे हैं का बैठी है बोल दिया गलती से, ऐसा बातचीत में दौरान होता है। फिर दोस्त लोग नहीं हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फैमिली के जो भी हैं, या कोई बच्चा है अभी नया नया बोलना सीख रहा, वो कुछ को कुछ बोल देगा, बालू शाही को कुछ और बोल देगा, शालू भाई ऐसा कुछ बोल देगा। वो स्टोरी आई थी ना उसमें मधुरिमा में, पढ़े हो गया अगर, अच्छा तुम लोग तो बिजी रहते हो। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, या किसी की भी स्पीच हो रही है और उसमें उसने कुछ गड़बड़ कर दी, ग्रामेटिकल एरर कर दी, तो इसको क्या बोलते हैं? मैलाप्रोपिज्म बोलते हैं। ये बहुत अच्छा टर्म है, मतलब उसने लाए को ले बोल दिया, मीनिंग चेंज हो गया। आप उससे कह रहे हैप्पी दिवाली, वो कह रहा शेम टू यू। हाँ, उसने सेम को शेम बोल दिया, अर्थ ही बदल गया। फिर वो लीपा पोती कर रहा, नहीं हमने सही बोले, जानबूझ के बोले, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतनी महंगाई है, तुम हमें हैप्पी दिवाली बोल रहे हो, देश में इतना गरीबी है, भ्रष्टाचार है, तो हमसे हैप्पी दिवाली बोल रहे हो, हमने शेम टू यू बोला है, तब भी आपको अबे तो फिर शेम ऑन यू बोलो, उसमें टू थोड़ी आता है। वो भी क्या माना जाएगा? मैलाप्रोपिज्म। चलो मेरे साथ बोलेंगे, बेनिफिशिएंट, मैलिफी, फिर है मैलापर्ट। अगर कोई पर्सन मान लीजिए मैलापर्ट है, इसका मतलब वो इल ब्रेड है। इल ब्रेड समझते हैं आप, ये जो बी आर ई डी है ना, ये ब्रीड का थर्ड फॉर्म है, ब्रीड ब्रेड ब्रेड, जैसे फीड फैड फैड होता ना, ब्रीड यानी क्या होता है? पैदा करना और जन्म देना, पालन पोषण करना है, समझ लो। तो जिस जो मतलब समझ लो, नहीं, जिसका पालन पोषण ही ऐसा हो गया है कि उसको अच्छे संस्कार नहीं मिले। एक बात बताओ भाई, माँ बाप हमको पालते पोसते हैं, तो पालने पोसने में क्या केवल खाने पीने की जिम्मेदारी और पढ़ाई लिखाई बस आती है? माँ बाप पालते पोसते मतलब वो संस्कार भी देते हैं, इसलिए आपने देखा होगा बिल्कुल बचपन से लेके, बल्कि अभी भी ऐसा होगा कि बचपन से लेके वो आपको बीच में टोकेंगे कि ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते। जैसे कोई मेहमान आए, नमस्ते करो, पाँव छू, ऐसा करते वो। और कई बार रिश्तेदार खुद हमें सिखाते रहते हैं, कोई दद्दा जी ऐसे हैं कि उनके अपन ने पाँव छुए, बोले जी तो तुम घुटना छू रहे हो, पाँव ऐसे नहीं छूते, पूरा झोंको, पांच तरह का पैर छूना होता है पता है शास्त्रों में,
तो वो पूरा सिखाने बैठ जाएंगे कि गुरुजनों के ऐसे होते हैं, माता पिता के ऐसे, तो ऐसे 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 लोग मेटिकुलस कहलाते, मतलब जो मीन मेक निकाले छोटी छोटी बात पर। तो मैला पड़ वाला एलब्रेड या इम्प्यूडेंट भी कह सकते इसको। इम्प्यूडेंट कौन होता है? जो दूसरों के प्रति बहुत ही रूड हो, है ना, गलत व्यवहार करने वाला हो, खड़ूस है। हाँ, फिर अगला शब्द है मैलिस, और इसी का एडजेक्टिव है मलिशियस। मैलिस का मतलब होता है इल विल, बुरी इच्छा। जिसके मन में मैलिस होता है, मतलब हेट्रेड होती है, दुश्मनी का भाव होता है, नफरत का भाव होता है। हाँ, उसी का आप कह सकते हो मिलता जुलता। और मलिशियस है मतलब फुल ऑफ इल विल है, वो फुल ऑफ हेट्रेड है किसी के प्रति। ऐसे मैंने आपको बेनिफैक्टर बताया ना, तो मैला से क्या बना लो, मैलिफैक्टर। मैलिफैक्टर कौन होगा? जो दूसरों के दूसरों से अपराध करेगा। ये बेनिफैक्टर पैसा दे रहा है, वो पैसा छीनेगा, रिक्शा वाले से छीन लेगा, ला हमें दारू पीना है, छीन लेगा, वो मैलिफैक्टर है। वो मैलिफैक्शन उसका बैड एक्ट हो जाएगा। तो आप इन रूट्स की मदद से कम नहीं तो अगर आप खुद अपने पर भी काम करो ना, 40 वर्ड्स लगभग आप सीख सकते। 40 नहीं बल्कि 50 तो लगभग हमने बता ही दिए हैं, अगर आप सब काउंट कर लो मिनिमम 50 वर्ड्स आप इससे कवर कर सकते, सोचो। और वो भी इस हिसाब से कि भूलोगे भी नहीं, बस आपको इतना याद रहे कि भैया बोना मतलब होता है गुड, फाइड मतलब फेथ, मैला मतलब हो गया बुरा, डिक्ट यानी बोलना। अभी डिक्ट से और शब्द आप ढूंढोगे मिल जाएंगे आपको, बहुत से शब्द मिलेंगे आपको। फिर क्या है, फैक फाई फैक से टू एक्ट, अभी तो इसके हमने ज़्यादा बताई भी नहीं आपको, बहुत सारे हैं। फिर यहाँ देखो वॉल मतलब इच्छा, वैलिडिक्शन मतलब क्या होता है, मैं ज़रा चेक कर लूँ आपको। वैलिडिक्शन वैलिडिक्शन गुड बाय, सेइंग गुड बाय होता वैलिडिक्शन। हमने कोई बैनी बोला ही नहीं, बैनी मतलब गुड होता, हमने तो वैली बोला है, वी एल ई वैली, तो क्या होता है गुड बाय फेयरवेल। वोल तो अलग है इच्छा। वलीशन मतलब वलीशन, वी ओ एल आई टी आई यू एन, हाँ फ्री विल, इच्छा को बोलते हैं वलीशन। और इससे आपको ना वो शब्द भी मिल जाएगा, वॉलंटियर, सुना है, वॉलंटियर इसी से बना है। क्या होता है वॉलंटियर? जो अपनी इच्छा से काम करे, समाज सेवा करे, जो स्वयं सेवक। जैसे कहीं बाढ़ आ गई तो बहुत से वॉलंटियर चले जाते हैं हेल्प करने को, तो वो अपनी इच्छा से गए, दे विल नॉट बी पेड फॉर दैट। हाँ, या जैसे कोचिंग क्लास में कोई कार्यक्रम हो रहा, आप ही में से कहीं उसमें वॉलंटियर बन जाएंगे कि थोड़ा हम डेकोरेट करें, ये करें, उद्घाटन है, ये सब किसने किया होगा? छात्रों ने। नमाज बर्थडे तो बहुत दिन है, अभी दो दिन बाद आएगा, अभी निकल गए, इनको क्या बताओ, पूछ रहे तो बता दें, फिर मना लेंगे उसमें का समझे। ऐसे वॉलंटियर का उल्टा क्या है, इन वॉलंटियर को सकता।